अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद करते हैं। आज जो डेफिनेशन हम उर्दू में पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और क्यों मेजर किया जाता है? अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ी जाए तो वो कुछ इस तरह से, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉन्स्टेंट, डेट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेड मीडियम। ये इसका दूसरा तरीका निकालने का, यानी कि इसके दो मेथड हो गए, एक साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि हम इसको ले सकते हैं सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेड मीडियम, यानी कि इसको अगर हम वी लें तो इससे भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, इसको भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये निकाला क्यों जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या हैं? सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट की प्योरिटी चेक करने के लिए, प्योरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा किसी सस्पेंशन और सॉल्यूशन को एनालाइज करने के लिए इसको निकाला जाता है, और इससे हम चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और कितने सॉल्वेंट के। दूसरा इससे प्योरिटी किस तरह हम चेक करते हैं, अगर एक प्योर डायमंड है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो कि तकरीबन 2.17 के करीब है, तो ये वैल्यू है। अगर कोई और वैल्यू आती है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, हम टेस्ट करते हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायमंड में किसी तरह की मिलावट या वो डायमंड प्योर नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट की प्योरिटी के लिए, और केमिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूशन को एनालाइज करने के लिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।